12 अप्रैल को है सोमवती अमावस्या। अत्यंत शुभ मानी जाती है ये अमावस्या। रखना चाहिए इन खास बातों का ध्यान। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे पौराणिक शास्त्रों व हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही महत्व है। एक साल में कुल 12 अमावस्या होती हैं और धर्म ग्रंथों में इसे पर्व भी कहा गया है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को पूर्वजों का दिन भी कहा जाता है। दिन के अनुसार पड़ने वाली अमावस्या के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृदेव को अमावस्या का स्वामी माना जाता है, इसलिए इस दिन पितरों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए शादर करने, कर्म करने, पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। बहुत से लोग पूर्वजों के नाम से हवन करते हैं और प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस साल 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है और खास बात यह भी है कि पूरे वर्ष 2021 के दौरान ये पहली और अंतिम यानी एकमात्र सोमवती अमावस्या आ रही है। अमावस्या तो कई आएंगी लेकिन सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या इस साल ये पहली और एकमात्र होगी, जिसके कारण इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है और इस दिन अमावस्या पड़ने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में स्थित रहते हैं। इस खास संयोग को शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन अमावस्या पड़ना बेहद शुभ होता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सोमवार मोक्ष के दाता भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन शंकर भगवान की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष में शिवजी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। ये भी माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन सभी सात दर्शनों को किया जाना बहुत उपयुक्त रहता है। भगवान आशुतोष, भगवान शिव मोक्ष के दाता हैं और उनके दिन सोमवार को अगर अमावस्या आती है और अगर उस दिन पितर का तर्पण हम श्रद्धापूर्वक करते हैं तो भगवान आशुतोष उस जातक को पितर ऋण से मुक्त कर देते हैं और हमारी कुंडली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पितर दोष समाप्त हो जाता है। इस दिन नदी में स्नान, जप, तप और दान करना बेहद शुभ माना गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 12 अप्रैल को पड़ रही सोमवती अमावस्या का मुहूर्त कुंडली टीवी के दर्शक ये नोट कर लें कि सोमवती अमावस्या 11 अप्रैल 2021 रविवार को सुबह 6:05 से शुरू होकर 12 अप्रैल को दिन सोमवार को सुबह 8:02 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 12 अप्रैल को सुबह 8 तक उपरांत प्रतिपदा। इस दिन सुबह 11:30 पर रेवती नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र होगा। वैधृति योग दोपहर 2:27 तक रहेगा और उसके बाद विश्वकुंभ योग बनेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन हमें इन बातों का ख्याल रखना है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान करना उचित माना गया है। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, घर के पितरों का तर्पण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के मुताबिक जरूर दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन हमें वाद विवाद से बचना चाहिए, किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि खुशहाली रहती है, शांति रहती है।
तो आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से कुंडली टीवी के दर्शक ये नोट कर लें कि 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।